हाँ बोल दे। ओके मैं अभी दया भाभी को देती हूँ। नहीं जेठालाल, अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? बस सूरत दादा को जल अर्पण कर रहा हूँ। लेकिन वो जल मेरे सर पे अर्पण हो गया। हाँ ये देखो। चलो अच्छा हुआ, आज सूरत दादा और चंदा मामा दोनों को एक साथ जल अर्पण हो गया। आइते सूरत दादा तिकड़े आने, चंदा मामा इकड़े। ये आपके दिमाग में क्या है, मतलब किस टाइप की पार्टी करने का सोचा है आपने, क्या बताइए हमें। अब तुमने अपना नाम क्या बताया बेटा? पप्पू जी मोहिनी। खबरदार, जो अब तूने पार्टी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की है तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मैं तो खुद गीला हो गया हूँ। किसने पानी? कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डर गया बेचारा मुझसे। अंकल आप पेड़ पर चढ़ ही रहे हो तो 4-5 dozen आम लेके आना। कितने? 4-5 dozen। हंस को भी पसंद है। नहीं, 4-5 dozen में बहुत टाइम लगेगा कोमल भाभी, मैं 8-10 आम तोड़ के लाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो क्या बात है। शाबाश मेनू, इसे कहते हैं हौसले बुलंद। चढ़ जाओ पेड़ पे और कर दे सबकी बोलती बंद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे देवा, जेठालाल भाग। अरे कैसे गिर गए? अब तो दरवाजे से गए थे ना। नहीं वो क्या, जेठालाल मुझे माधुरी दिख नहीं रही है। मैं दिखाई दे रहा हूँ। जेठालाल मुझे माधुरी दिख नहीं रही, मतलब तू बीच में खड़े हो इसलिए दिख नहीं रही है वो। अंकल ये मेरा कजन है मोंटी। वाह, गोली का भाई कैप्सूल। अरे ये सोसाइटी के हेलोजन यहाँ पे कैसे आए? ये तो ऑफिस में रहते। टापू भाई, अरे ये कलेक्शन तो अपने घर में गया है। माधवी माधवी पूरे साल का बिल इसी महीने में आने वाला है। कोमल दीदी, आपको तो ये व्रत रखना ही चाहिए, पति देव के लिए नहीं तो खुद के लिए, ताकि उपवास का उपवास हो जाए और सेहत की सेहत। मुझे कोई जरूरत नहीं है, पिछले हफ्ते मेरा 1 किलो वजन कम हुआ था। ओ हाँ, वो तो तुमने अपने नाखून काटे होंगे।